लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई दो वेव्स एक ही लाइन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो आपस में मिलकर स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था तो हम लोगों ने दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया था सम रॉड्स के साथ। हम लोगों ने नायलॉन का थ्रेड इस्तेमाल किया था या हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने रबर बैंड इस्तेमाल किया, उसे उसके उसके दोनों जो पॉइंट्स थे उन्हें हम लोगों ने दो फिक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि हमारे पास एक ऐसा पाइप हो जिसके दोनों एंड्स बिल्कुल ओपन हो, यानी कि एक ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से बिल्कुल ओपन हो, इस तरह से एक पाइप हो इसका ये एंड भी ओपन हो और ये एंड भी ओपन हो और इसके अंदर से साउंड वेव्स गुजर रही हों, तो आपको मालूम है कि साउंड वेव्स में एक कंप्रेशन होगा और एक रिएक्शन। मान लीजिए कि जो साउंड वेव्स हैं या कोई भी वेव्स हैं वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं अंदर आपस में, इस तरह से उनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, इस तरह से वो आपस में गुजर रही हैं, एक दूसरे के साथ अमल कर रही हैं कि स्टेशनरी वेव्स बना रही हैं। तो इस सिचुएशन में जो स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी वो इस तरह से बनाएंगी कि एक वेव का ये इस पार्ट इस तरफ आएगा और दूसरी वेव का इस तरफ ये पार्ट आएगा। यानी कि अगर एक वेव एक दोनों पाइप के एंड खुले हुए हों और उसमें से वेव्स आपस में से गुजर रही हों और वो स्टेशनरी वेव का फिनोमेना शो करें और पाइप के दोनों एंड जो हैं ओपन हों, यानी इसके दोनों जो मुंह हैं वो खुले हुए हों, कहीं से भी पाइप जो है वो बंद ना हो, तो इस वाले पार्ट पे हमारे पास जो है वो नोड बन जाता है। और जो पार्ट चूँकि हमें मालूम है कि जहाँ पर मीडियम्स के पार्टिकल बिल्कुल स्टेशनरी हालत में होते हैं या उनकी एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो जिन पार्टिकल्स का, हम उन्हें नोड्स जो है नोड्स कंसिडर करते हैं और इसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि हम इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पार्ट जहाँ पर मीडियम्स के पार्टिकल्स की मोशन जो है वो काफ़ी रैपिड हो और उनका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो, तो उन को हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग एंटी नोड कहते हैं, ये एंटी नोड्स हैं और इसे हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखा जाए तो इस सिचुएशन में जब पाइप के दोनों एंड ओपन थे, हमारी दो वेव्स इसमें से गुजर रही हैं और आपस में इस तरह से वो स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं, स्टेशनरी वेव का फिनोमिना शो करती हैं, तो ये वाला एक वाला ये वाला जो पार्ट है हमारा इसे थोड़ी सी डिफरेंट मार्कर से रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा और ये वाला, ये दोनों हमारे एंटी नोड हैं और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है हमारा नोड है। अब देखा जाए तो ये तकरीबन कुछ इस तरह की शेप हो सकती है, इसको अगर इस तरह से हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही लूप बनाओ, क्योंकि लूप का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, मतलब कि ये आपस में मिलके सिर्फ एक लूप बना रहे हैं, यानी कि इस चीज़ की जो वेवलेंथ है वो जो पूरी इस स्टेशनरी वेव की लेंथ है उसे हम ये कह सकते हैं कि ये लैम्डा बाय टू है, क्योंकि इसमें जो है वो दो लूप्स नहीं बनके बल्कि ये एक ही लूप के दो हिस्से, आधा हिस्सा इस तरफ आ गया और आधा हिस्सा इस तरफ आ गया। यानी कि इस तरह से कहना चाहिए कि इस सिचुएशन में जब पाइप के दोनों एंड ओपन हो और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो इनिशियल स्टेट पे इनिशियल कंडीशन में, तो वहाँ पर सिर्फ एक लूप बनता है और लूप का आधा हिस्सा इस नोड से इस जानिब होता है और आधा हिस्सा लेफ्ट की तरफ होता है, तो ये कम्प्लीटली एक लूप बनता है, दो लूप नहीं, जिसकी वजह से हम लोग जो लैम्डा है जो वेव लेंथ है उसे लैम्डा बाय टू कंसिडर करते हैं। और इस सिचुएशन में भी अगर हम लोगों को स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट वो फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो इसे भी हम लोग इसी रिलेशनशिप से निकालेंगे वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ा था, ये भी स्टेशनरी वेव्स ही हैं, लेकिन अब हम डिफरेंट कंडीशन में स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करके देख रहे हैं कि आया कि डिफरेंट कंडीशन जैसे कि पाइप के दोनों एंड ओपन रखने से या एक एंड क्लोज कर देने से स्टेशनरी वेव्स किस तरह की प्रोड्यूस होती हैं। इस सिचुएशन ए में, इसी सिचुएशन ए का नाम दे देते हैं, इस सिचुएशन ए में हम लोगों ने पाइप जो लिया है उसके दोनों एंड ओपन रखे हैं और हमारे पास जो वेव आई है जो स्टेशनरी वेव्स बनी हैं उनमें एक ही वेव एक ही लूप बनता है, लेकिन वो लूप इस तरीके से बनता है कि लूप का आधा हिस्सा इस नोड से राइट पर आ जाता है और आधा हिस्सा लेफ्ट पर आ जाता है। अगर मुझे अब फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो, इस फ्रीक्वेंसी को मैं एफ वन कह सकती हूँ पहले लूप की फ्रीक्वेंसी, तो ये वी डिवाइडेड बाई लेमडा आ जाएगी और लेमडा हमें मालूम है कि अगर इस सिचुएशन से मैं लेमडा निकालूँ तो ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टू एल आ जाएगी, यानी कि इस सिचुएशन में भी जो लेमडा है वो वी डिवाइडेड बाई टू एल है, यानी कि हमारी जो इनिशियल या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस सिचुएशन में भी जब पाइप के बोथ हैंड ओपन हो तो हम उसे वी डिवाइडेड बाई टू एल ले सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पहले नायलॉन थ्रेड में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करके देखा था, बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी वी डिवाइडेड बाई टू एल ही हमारी इनिशियल या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है।
इस सिचुएशन में तो हमारे पास ये था कि हमारा जो एंटी नोड्स हैं वो दोनों एंड्स पे बनते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि पाइप के अंदर, अगर पाइप के बोथ हैंड ओपन है, ये हमारा वही वाला पाइप है, इसके बोथ हैंड यहाँ पर भी हम लोग ओपन रखते हैं, मैं इसे ठीक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से हमारा ये पाइप है और इसके दोनों एंड ओपन है। अब हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से इसमें वेव्स अगर प्रोड्यूस हों कि हमारे जो नोड है, हमारा नोड दरमियान में आ जाए, तो हमारा नोड इस तरह से दरमियान में आएगा कि दो वेव्स जो आपस में स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं वो इस तरह से अमल करें कि जब इस पाइप में से गुजरें तो दरमियान में वो आके नोड बना दें, एंटी नोड बना दें। ये हमारा एंटी नोड बन गया मिडल के अंदर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों साइड्स पे हम लोगों के जो हैं, यहाँ पर भी एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड, और ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारे जो है नोड्स बन गए, ये हमारे नोड्स आ गए, और ये वाला एक चीज़ हमारी एंटी नोड आ गई, और यहाँ पर भी आधा एंटी नोड है और यहाँ पर भी आधा एंटी नोड ही है। ये चीज़ हमारी नोड्स हैं, नोड्स को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये तो एक कंप्लीट लूप हमारे पास ये आ गया, और बाकी आधा लूप इस तरफ है और आधा लूप इस तरफ है, यानी कि देखा जाए तो हमारे पास इस सिचुएशन के लिए दो लूप इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से दो लूप बन जाते हैं। तो जब दो लूप बन जाए तो हम इसे कह सकते हैं कि अब एक वेवलेंथ लैम्डा कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस पूरी के पूरे पाइप की लेंथ बतानी हो, पाइप के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हुई हैं, जो स्टेशनरी वेव्स बनी हैं उनकी जो लेंथ है, अगर मैं वो बताना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर लैम्डा लिखना चाहिए कि ये कंप्लीट वेवलेंथ बन गई है। अब चूंकि इस सिचुएशन में हमारे पास दो लूप आ गए, तो अगर मुझे इन दो लूप के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे F2 लिखना चाहिए, और F2 जो है वो V डिवाइडेड बाय लैम्डा है। इस सिचुएशन में जो हमारा लैम्डा है वो L है, यानी कि हम लोगों को V यानी स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय L लिखना चाहिए, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल पहले वाला तरीका कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर मैथ्स में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई, उसी किसी भी डिजिट को, किसी भी वैल्यू को अगर हम खुद से एडिशनल मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिस नंबर से या जिस भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें हमें उसी डिजिट से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया सपोज करने, तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ा। अगर यही काम मैं इधर अप्लाई करूँ इस इक्वेशन पर, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये ले हम लोग 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी। और अगर मैं थोड़ा सा एडिशनल काम इस तरीके से करूँ कि सिर्फ इस 2 को मैं बाहर रख लूँ और v डिवाइडेड बाई 2l को अंदर की जानिब कर दूँ, तो ये हमारे पास तो इनिशियल या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बन जाती है। तो मैं यहाँ पर 2 के बाद इस पूरी के पूरे इक्वेशन की जगह, इस पूरे के पूरे जो फैक्टर है इसकी जगह F1 लिख सकती हूँ। इसमें लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ, बल्कि हमें ऐसा ही लिखना चाहिए कि अब जो हमारी F2 है वो 2 टाइम्स F1 के इक्वल आ जाएगी। तो देखा जाए तो सारा का सारा प्रोसीजर बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस किया था, बस उस सिचुएशन में हम लोगों ने उसके बोथ हैंड को जो है कनेक्ट कर दिया था, फिक्स कर दिया था। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोगों ने जिस पाइप के अंदर इसे प्रोड्यूस किया है, उस पाइप के दोनों एंड्स को हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई करके ओपन ही रखा है, उसे किसी भी चीज़ से क्लोज नहीं किया। इसी तरह से आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे इस पाइप में जिसके दोनों एंड्स ओपन हैं, यहाँ पर एक नोड मिडल में बनने के, एक एंटी नोड मिडल में बनने के बजाय दो एंटी नोड मिडल में ही बन जाए। इस तरह से देखिए, ये हमारा वो पाइप है जिसके बोथ एंड ओपन हैं, और ये वो पाइप है, इसमें अगर वेव इस तरह से प्रोड्यूस हों कि दरमियान में दो लूप बने, यानी कि मैं इस तरह से कहना चाह रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरह से हो कि दो लूप, अब देखा जाए तो दो एंटी नोड जो हैं, ये और ये हमारे पास दो एंटी नोड हैं, एंटी नोड ये हमारे पास दरमियान में बन गए, और साइडों पर भी हमारे पास एंटी नोड है। साइड पर तो बन ही जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कंडीशन ये रखी कि वेव्स अगर इस तरह से प्रोड्यूस हो, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर दरमियान में दो एंटी नोड आ गए तो क्या फ्रिक्वेंसी बनती है, तो किस तरह से हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो हमारे पास एक ये नोड निकल आता है, एक नोड ये और एक नोड ये, यानी कि मुझे ये कहना चाहिए कि इस सिचुएशन में जो है मेरे पास ये 3 के 3 नोड हैं, इन्हें मुझे ये कहना चाहिए कि ये मेरे पास अब नोड हैं, ये 3 नोड हैं जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ भी मेरी एंटी नोड है, ये चीज़ भी एंटी नोड है, और ये चीज़ भी एंटी नोड है, और यहाँ पर सिमिलरली ये जो साइड पे है ये भी एक एंटी नोड है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम्स के जो पार्टिकल हैं उनका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है।
अब इस सिचुएशन में अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो ये जहाँ पर दो लूप्स कंप्लीट हैं उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर दो लूप्स होते हैं इसका मतलब है वहाँ पे एक कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा कंप्लीट हो गई। लेकिन अब मसला इस चीज़ का है कि आधा लूप इस जानब है और आधा लूप इस जानब, यानी कि ये आधा और आधा आपस में मिलकर एक लूप बना देता है। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि दो लूप तो पहले ही थे, यानी कि दो लूप इस तरह से पहले थे और अब एक तीसरा लूप भी बन गया। तो अब हमारी जो वेवलेंथ है यहाँ तक ये लैम्डा हो जाती थी, साथ अब मुझे 0.5 लैम्डा भी ऐड करना पड़ा। तो मैं इसे इस तरह से कह सकती हूँ कि अब जो वेवलेंथ है वो 3λ/2 या 1.5λ हो गई है। तो अगर अब मुझे इनकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी हो तो अब चूँकि लूप जो है वो तीन है तो मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे अब F3 मालूम करनी है, F3 यानी कि तीसरे लूप तीन लूप की फ्रिक्वेंसी। तो उसे भी मैं v/λ से फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मेजर फार्मूला जो है जिससे हम निकालते हैं वो v = f λ है। और अगर हम लोगों को F3 मालूम करनी है तो मुझे v/λ कर देना चाहिए। अब इस सिचुएशन में जो हमारा लैम्डा है, क्योंकि ये लैम्डा अब हमारी जो लेंथ है इस पाइप के अंदर जो पूरी की पूरी वेव की लेंथ है वेव की, वो 3λ/2 है। और अगर मुझे सिर्फ लैम्डा चाहिए तो मैं 2 से एल को मल्टीप्लाई करूँगी डिवाइडेड बाई 3, और इस चीज़ को मुझे यहाँ पर पुट कर देना चाहिए इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन ए के अंदर। तो इस तरह से करने से होता ये है कि हमारे पास F3 तो एज इट इज ही आ जाता है, v/2l/3। और जब ये 3 है तो इस 3 को यहाँ पर जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसे ऊपर लेके जाएं तो ये v के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मैथ्स का रूल है। तो 3 जब ऊपर आया तो v/2l हो गया। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ कि 3 को बाहर ले आऊँ इस तरह से और v/2l को सेपरेट कर लूँ, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास F1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो मैं F3 को ये लिख सकती हूँ कि F3 3 टाइम्स F1 के इक्वल है। तो देखा जाए तो इस सिचुएशन में भी बिल्कुल फ्रीक्वेंसीज वैसे ही आ रही हैं जैसे कि हमारे पास दोनों एंड फिक्स करके आई थी, वो भी फ्रीक्वेंसी जो है इसी तरह से निकली थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे F3 की बजाय अगर FN चाहिए तो वो N टाइम F1 हो जाएगा, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कोई भी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो, F4 की मालूम करनी हो, 5 लूप आ जाए 5 लूप की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो वो 5 टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हम ये आकर्ष कर सकते हैं कि हमारे अगर दोनों एंड्स किसी भी चीज़ के दोनों एंड्स फिक्स हों, वेव के जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उसके बोथ एंड जो हैं वो फिक्स हों, तब भी वेव वैसे ही प्रोड्यूस होंगी जैसे कि किसी ऐसी जगह पे प्रोड्यूस हों जिसके बोथ एंड ओपन हो। जैसे कि इस पाइप की बात कर लीजिए तो इसके बोथ एंड ओपन थे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही वेव प्रोड्यूस हुई जैसे कि यहाँ पर प्रोड्यूस हुई जब हम लोगों ने वेव के जो दोनों एंड्स हैं उन्हें फिक्स कर दिया जिसके ज़रिए वो प्रोड्यूस की जा रही थी। तो दोनों सिचुएशन में जो फ्रिक्वेंसीज हैं लूप की वो सेम रहती हैं। तो इस तरह से हम वेव की किसी भी सिचुएशन में कि वो इस तरीके से अगर सिचुएशन रख दी जाए, बोथ हैंड ओपन कर दिए जाएँ या फिक्स कर दिए जाएँ या एक हैंड ओपन कर दिया जाए, तो हम किस तरीके से फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं।